मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत कैपिटल फीड प्लांट भोरंज के सामने ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा अंशकालीन हड़ताल की गई। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजीव राणा ने बताया कि पूरे प्रदेश में मिल्क फेड प्रशासन ने पूरे प्रदेश में कहीं भी टेंडर व्यवस्था नहीं की है, जबकि भोर में मनमाने तरीके से टेंडर की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर आघात पहुँच रहा है। पूरे प्रदेश में ढुलाई का कार्य सरकारी रेट से दिया जा रहा है, लेकिन इसी प्लांट में मनमाने तरीके से ढुलाई का रेट फिक्स किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भूमि सरकार को दी गई, लेकिन रोजगार बाहरी लोगों को सुनिश्चित किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। इंटक के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजीव राणा ने कहा कि हमारे साथ लगते नेचों के मिल्क फैट प्लांट पर आधारित नियम शर्तों के अनुसार कार्य मिले, ताकि स्थानीय लोगों को पूर्णतः रोजगार मिले। टेंडर व्यवस्था को बंद किया जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। उपमंडल अधिकारी नागरिक भुरंज के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल को खत्म किया गया और मांगों को मनवाने का तथा मानने का आश्वासन। फीड प्लांट के सामने जो है हमारे मजदूर भाइयों को मजबूरन जो है प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे पूर्व हमारे ट्रक ऑपरेटर भाइयों ने प्रशासन के समक्ष जो है अपनी मांगों को रखा था, लेकिन प्रशासन की मिली भक्त के कारण हमारे भाइयों को टेंडर प्रणाली में लिया गया, जबकि पूरे प्रदेश में जहाँ भी मिल्क फेडरेशन के अधीन हमारे फीड प्लांट हैं या अन्य प्लांट दुग्ध प्लांट हैं, वहाँ पे टेंडर व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे सरकारी रेट पे जो है ढुलाई का कार्य किया जाता है। लेकिन हमारे जो स्थानीय लोग हैं इनके साथ जो है पक्षपात किया जा रहा है, और जिसके कारण जो है हम लोगों को जो है रोजगार की दिक्कत आ रही है। हमारी प्रशासन से सरकार से मांग है कि इस व्यवस्था को जो है जैसे सरकारी रेट पे जो है माल ढुलाई का काम किया जा रहा है अन्य प्लांटों में, वो यहाँ भी होना चाहिए। हमने स्थानीय प्रशासन से, यहाँ के जो प्रबंधन कमेटी है उसको हमने दूरभाष से भी संपर्क किया, लेकिन उनके उनके दिमाग में जो है मिली भक्त का जो फितूर चला हुआ है, जिसके कारण वो यहाँ आने से जो है कतरा रहे हैं, और हमारे मजदूर भाइयों को जो है मजबूरन यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेरी सरकार से पुनः मांग है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम जो है इस धरना प्रदर्शन को और विकराल रूप से लेके जाएंगे। राष्ट्रीय मजदूर इंटक का मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजीव राणा होने के नाते जो है मैं ये सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, हमारी मांगों को पूरा नहीं हुआ, तो हम जो है इसको धरना प्रदर्शन को सुचारू रूप से जो है नियमित रखेंगे।